है, पेज नंबर 4 अगर आप देखो तो यहाँ पर उन्होंने आपको दो अलग अलग सर्कल्स दिए हुए हैं। एक साइड पर लिखा है असेंशियल आइटम्स और दूसरी तरफ लिखा है फूड आइटम्स। तो आपको क्या लिखना है इन सर्कल्स में कि अगर आप किसी हॉलिडे पर जा रहे हो तो आपको एक लिस्ट बनानी है कि कौन सी चीजें आप अपने साथ लेकर जाओगे। तो असेंशियल आइटम्स में आपको ऐसी 6 थिंग्स के नाम लिखने हैं। तो बताओ अगर असेंशियल में क्या होंगी वो चीजें जो फूड नहीं आए, उसमें फूड नहीं होना चाहिए। क्या क्या लेके जाओगे? यस, वेरी गुड। स्लीपिंग बैग लेके जाएंगे हम। और बेडशीट, वेरी गुड। और वाटर बॉटल, यस। वैसे हम उसे फूड में भी ले सकते हैं। ओके, तीन और बताओ। टूथब्रश, और नहाने के लिए क्या लेके जाएंगे? सोप लेके जा सकते हैं, शैम्पू लेके जा सकते हैं। और एक चीज और बताओ, फिर आपकी लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। कपड़े भी तो लेके जाओगे ना चेंज करने के लिए? क्लोथ्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये लिस्ट रेडी हो गई। बच्चे अरुबा, अभी आप मत लिखो, फिर क्लियर नहीं रहता है ना। तो आपकी ये जो लिस्ट कंप्लीट हुई है, ये किसकी लिस्ट है? असेंशियल आइटम्स की लिस्ट है, ठीक है। अब हम दूसरी लिस्ट पूरी करेंगे जो कि हमारी लिस्ट है फूड आइटम्स की। तो आपको 6 फूड आइटम्स बताने हैं कि कौन कौन से फूड आइटम्स आप लेके जाओगे अपने साथ। फर्स्ट, सैंडविच, वेरी गुड। सैंडविच, वेरी नाइस। और सेकंड, वेफर्स, चिप्स आप लेके जा सकते हो। और जो इजी चीजें होती हैं सफर में ले जाने वाली, कौन कौन सी होती हैं? बिस्किट्स, हाँ वेरी, बिस्किट्स लेके जा सकते हैं हम। और आपने बोला कोल्ड ड्रिंक लेके जा सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स। और हाँ, मतलब वो तो हमारा आ गया ना, वेफर्स में ही आ गया सारा कुछ, आपके चिप्स, नमकीन वगैरह। फ्रूट्स भी तो, अरुबा मत करो, फ्रूट्स भी तो लेके जा सकते हैं ना बेटा, फ्रूट्स लेके जा सकते हैं। और लास्ट एक और बताओ। कई लोगों को चाय पसंद होती है, सब लोग कॉफी नहीं पीते हैं, तो वो अपनी थर्मस में चाय बना के लेके जा सकते हैं। तो टी, सब लोगों को कोल्ड ड्रिंक नहीं पसंद होता ना, तो टी कॉफी भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। ये आपने अपने जो भी हमने डिस्कस किया है, इसको आपने अपनी बुक में फिल कर लेना है। बुक में ही करना है सारा ये काम, कुछ भी हमने अपना जो काम है नोटबुक में नहीं करना, जो वर्कबुक का काम है वो वर्कबुक में ही होगा। अब इसकी लास्ट की एक लाइन, हाँ इसके लास्ट में एक लाइन दी हुई है, हैव अ लुक एट द लिस्ट ऑफ वर्ड्स विच यू हैव रिटन। ऑल ऑफ देम आर कैसे नाउन्स हैं, ये सारे कॉमन नाउन्स, कैसे नाउन है? कॉमन नाउन है, तो वेरी गुड। कॉमन है, उसको अंडरलाइन कर लो बुक में, आपको डेफिनेशन दी हुई है, पता होना चाहिए आपको। कॉमन नाउन्स आर कॉमन नेम्स गिवन टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि हमने इसमें अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहली चीज हमने पढ़ा था प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन पढ़ा था ना हमने, प्रॉपर नाउन जो एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग का नेम होता है वो प्रॉपर नाउन है। एंड उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। फिर सेकेंड चीज हमने पढ़ी कॉमन नाउन, वो जनरल नेम्स होते हैं, जनरल आइटम्स के, पर्टिकुलर नहीं होते। थर्ड
अ कॉमन नाउन बिगिंस विद अ स्मॉल लेटर. कॉमन नाउन किससे बिगिन करता है? स्मॉल लेटर से. अब क्वेश्चन वन दिया है उन्होंने, रीड द पैराग्राफ बिलो एंड सर्कल द प्रॉपर नाउन इन रेड एंड कॉमन नाउन इन ग्रीन. तो आपने रेड कलर से प्रॉपर नाउन को सर्कल करना है और कॉमन नाउन को किस कलर से सर्कल करना है? ग्रीन से सर्कल करना है. तो देखते हैं कि हमें इसमें कितना आता है. फर्स्ट सेंटेंस, इट हैपेंड मेनी ईयर्स अगो. इसमें है कुछ कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन? नेम ऑफ समथिंग है ना, ईयर. क्या है ईयर? कॉमन नाउन. आई वॉज इन द फिफ्थ स्टैंडर्ड एट गवर्नमेंट स्कूल कांबेलपुर. तो यहां पर गवर्नमेंट स्कूल जो है वो है प्रॉपर प्रॉपर नाउन, क्योंकि जी कैपिटल है. कांबेलपुर भी है प्रॉपर नाउन और स्कूल क्या है? कॉमन नाउन. नाउ कॉल्ड एटक. एटक क्या है? कॉमन. ठीक बोल रही हूं मैं? एटक कॉमन नाउन है, ठीक बोल रही हूं? गलत बोल रही हूँ ना? क्या है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि प्रॉपर नेम है ना वो. वन डे आई वेंट टू स्कूल विथ 4 रुपीज इन माई पॉकेट टू पे द स्कूल फीस एंड द फंड. अब यहाँ पर स्कूल नेम ऑफ प्लेस पर क्या है? कॉमन. विथ 4 रुपीज, हाँ रुपीज क्या है? नेम ऑफ अ थिंग, वो भी कॉमन. पॉकेट क्या है? पॉकेट कॉमन. हर एक पॉकेट को पॉकेट ही बोलेंगे, ठीक है. फीस एंड फंड नेम ऑफ अ थिंग है, ये भी दोनों क्या है? कॉमन. व्हेन आई गॉट देयर आई फाउंड दैट द टीचर हु कलेक्टेड फीस मास्टर गुलाम मोहम्मद वॉज ऑन लीव एंड सो द फीस कुड बी वुड बी कलेक्टेड द नेक्स्ट डे. अब मुझे ये बताओ टीचर क्या है? टीचर क्या है बताओ, कॉमन या प्रॉपर? टीचर है कॉमन नाउन, ठीक है. मास्टर गुलाम मोहम्मद क्या है? प्रॉपर नाउन. यस, तो ये हमारा फिनिश हो गया. रीड द पैराग्राफ बिलो अबाउट क्रिसमस फेस्टिवल एंड अंडरलाइन द प्लूरल वर्ड्स. क्या करना है आपको? प्लूरल वर्ड्स को अंडरलाइन करना है. प्लूरल क्या होता है? क्या होता है प्लूरल, ये बताओ पहले. एक से ज्यादा. तो पढ़ें, इसको स्टार्ट करें. क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर. इट इज द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है. People light candles at the church. अभी मैंने तीन lines पढ़ ली हैं. मुझे इन तीन lines में आप बताइए कि कौन कौन से plural words हैं. Very good, very good. कौन बोल रहा है, नाम बताना अपना. बिस्मा, very good. People is right. अगला word बताओ. Very good. Candles भी right है. अब आगे चलते हैं. Very nice. Churches and houses are decorated with lights and Christmas trees. इस लाइन में बताओ अब. नहीं, नो नो, क्रिसमस तो बिल्कुल नहीं है बेटा. Churches, houses, lights, trees. चार वर्ड्स हैं, ठीक है. Yes. Yes. The
आगे चलते हैं. द क्रिसमस ट्री इज डेकोरेटेड विद स्टार्स, बेल्स, रिबन्स एंड गिफ्ट्स. बहुत सारे हैं इसमें, बताओ. ये सारे ही है ना? यस, स्टार्स, बेल्स. वेरी गुड, वेरी गुड. मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन प्रे इन द चर्च एंड लाइट कैंडल्स. बताओ. आप सीधा कैंडल पे चले गए. ये तीन वर्ड्स भी सारे प्लूरल हैं. मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन. कौन बोल रहा है, नाम बताओ. समझ आ रहा है आपको? ये भी प्लूरल वर्ड्स हैं बेटा, प्लूरल वर्ड्स हैं ये. उसके बाद कैंडल. चिल्ड्रन ईगरली वेट फॉर सेंटा क्लॉज टू ब्रिंग गिफ्ट फॉर देम. अब एक ही वर्ड है इसमें और वो वर्ड है गिफ्ट. ओके, यस, राइट राइट राइट. कि हम प्लूरल वर्ड कैसे बनाते हैं, तो आप देखो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं उन्होंने. फर्स्ट, आवाज अब आ रही है? आवाज आ रही है अब? मेरी तो वॉल्यूम पूरी है बेटा. बिल्कुल नहीं आ रही क्या अभी भी? अच्छा चलो ठीक है. अब सिंगुलर, मैं वैसे रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी ना आपके साथ. सिंगुलर वर्ड है मास्क एंड बॉय, तो उसका प्लूरल वर्ड क्या है? यस, बॉयज. कैसे बना? उसमें हमने एस एस ऐड किया, एस ऐड कर दिया. ठीक है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट पे आ जाते हैं. बुश, बस, वॉच, फॉक्स. प्लूरल वर्ड क्या है? क्या क्या है यहाँ पर? यहाँ पर उन्होंने ES ऐड किया है. यस, ES लगाया. फिर उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में आ जाते हैं. वर्ड्स है सिटी एंड लेडी. क्या किया है, वर्ड्स क्या बने? वेरी गुड. लास्ट में उन्होंने आई एस, हाँ, वाई को वाई हटा दिया और आई एस लगा दिया. फिर उसके बाद आगे चलते हैं, मंकी एंड डे. तो इसमें क्या किया है? इसमें, हाँ, जो जो बच्चे बोल रहे हैं ना, इस चीज को ध्यान में भी रखना है. अब जब आप काम करोगे तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसकी. नेक्स्ट वर्ड है पोटैटो, टोमेटो, चाइल्ड एंड मैन. तो पोटैटो का प्लूरल पोटैटो, चिल्ड्रन, मैन. ठीक है, इसे याद करना है आपने. उसके बाद शीप, डियर, कोई चेंज नहीं हो रहा, देखो नहीं हो रहा ना, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज. ऐसे ही न्यूज और मैथमेटिक, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज. ठीक है, तो ये, हाँ, ये आपको नीचे उन्होंने नोट दिया, उसे ध्यान से पढ़ो. बहुत ध्यान से पढ़ना है. मैं कि जब ग्रुप में बच्चे चैटिंग करते हैं, मुझे जवाब इंग्लिश में, तो वो उस चीज का ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते. ब्लू लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना है इसको आपने. ये सबसे काम के We use is, has, was and does with singular nouns. Singular nouns, यानी कि एक वचन, उसके साथ हम यूज करते हैं is, has, was or does. और plural nouns बहुवचन के साथ are, have, were and do. Yes. Okay. वेरी गुड. ये अभी कौन सा बच्चा बोला, मुझे नाम बताओ. तामिया, एट थे. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. चलो ठीक है, अब हम ओके पेज नंबर 8 अब देखेंगे सभी बच्चे. यहाँ उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि हम ज्यादातर गलती करते क्या हैं. तो हमें अपनी इनकी गलतियां ढूंढनी है. जब हम इनकी गलतियां ढूंढेंगे तो हमें अपनी भी गलतियां पता चल जाएंगी.
रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, देयर इज वन मिस्टेक इन इट, ट्राई टू फाइंड इट. अब पहला सेंटेंस क्या था, मुकेश लाइक टू ईट एन आइसक्रीम्स, तो गलत है ना ये. अगर एन वर्ड यूज कर लिया तो उन्हें आइसक्रीम वर्ड यूज नहीं कर, आइसक्रीम वर्ड यूज करना चाहिए था, आइसक्रीम वर्ड यूज नहीं करना चाहिए था. ठीक है, ये समझ आ गया. ओके, बिस्मा को आ गया, मेमुना भी है ना, मेमुना को समझ आया. ए सी, ओके, एक्टिविटी सेवन पे चलते हैं. द एलमिराज इज ऑफ ग्रीन, ऑफ गोल्डन कलर, क्या गलती है बताओ. एलमिराज को हमें कर देना चाहिए एलमिरा. ठीक है, हमें जो इसके अंदर एस लगा है उसे हमें डिलीट करना है एस को. या हम क्या कर सकते हैं, इसका आर भी बना सकते हैं. दोनों तरीके से ठीक हो, कोई एक चीज करनी है, दोनों नहीं कर देनी. या तो एलमिराज को एलमिरा कर देना है या इस को आर बना देना है, कोई एक चीज करनी है. ठीक है, आगे चलते हैं. बफलो आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, बफलो आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्या गलती है. अरे नो नो, बफलोज, बफेलो नहीं बोलना है, बफलोज बोलना है आपने. बफलोज प्लूरल बना देंगे इसको हम, आर का आर लगा हुआ है ना, प्लूरल करना है तो बफलोज कर देंगे. मोनिका गिव्स अ मोबाइल फोन्स टू हर ब्रदर, क्या गलती है. वेरी गुड, एक्सीलेंट. हाँ, सिर्फ फोन होना चाहिए क्योंकि इसमें अ लगा हुआ, एक दिया उसने. द यस, एस हटा देंगे हम. द प्रिंसिपल इज मीटिंग ऑल हिज टीचर, क्या गलती है. नो बच्चे, टीचर्स एस लगाएंगे. मैथमेटिक इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्या गलती है. अभी पढ़ा था, मैथमेटिक्स हो जाएगा ये, एस लगेगा मैथमेटिक में. कल्ला मैथमेटिक नहीं लिखते हम, ओनली मैथमेटिक्स लिखते हमेशा. चाइल्ड आर प्लेइंग इन द पार्क, क्या गलती है. यस, ये कौन बोल रहा है. चिल्ड्रन के साथ एस नहीं लगता, चिल्ड्रन चिल्ड्रन बोलना है सिर्फ, एस नहीं लगाना. माय हाउसेस इज ऑफ रेड कलर, क्या गलती है. यस, माय हाउस, हाउस ओनली हाउस. ओके, नेक्स्ट पेज पे चलो. नेक्स्ट पेज, पेज नंबर है आपका 9. सिर्फ 3 सेंटेंसेस करने वाले हैं हम. द हाउस इज फुल ऑफ माउस, क्या गलती है. माइस आएगा, माइस माइस माइस, प्लूरल वर्ड होता है माइस. There are many bus on the road, क्या गलती है. Buses. Last night 5 fairies came in my dream, क्या गलती है. ठीक है, ओके ओके, बस आज के लिए इतना ही. ये सारा कुछ अपनी वर्कबुक में नीटली करेंगे सब बच्चे और मेरे साथ शेयर करेंगे. ओके okay?